हमारे संस्कार ऐसे तो नहीं थे। आज वतन की आवाज़ में आज़ादी के नाम पर, आज़ादी क्या है, आज वतन की आवाज़ में आज़ादी पर डालेंगे एक नज़र। आज़ादी के बदलते पैमाने को लेकर करेंगे कुछ खास बातें। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आज़ादी क्या है। क्या आज़ादी के नाम पर हमें इतना छूट दिया गया है कि हम लोग अपने सभ्यता और संस्कृति को ताक पर रखकर कुछ भी करें? क्या आज़ादी हमें नशे के शिकार हो रहे युवाओं को सही राह पर दिखाने के अधिकार नहीं देता, या फिर हम अपनी कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगे हैं? अक्सर पुरुषों को तो हमने नशा करते और नशे के शिकार होते देखा है, लेकिन अब जिस प्रकार से महिलाओं और लड़कियों में खुलेआम नशे की लत पड़ती जा रही है और खुलेआम धूम्रपान करते दिखती है, इससे यह सवाल फिर से खड़ा हो जाते हैं कि क्या मॉडर्न सोसाइटी में हमें इतनी छूट दे दी है कि हम आज़ादी के नाम पर कुछ भी करें? अब मैं भारत के उन तथाकथित बुद्धिजीवी और पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो हो रहा है यह भारत की सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल है, या फिर हम खामोश, अगर नहीं है तो फिर हम खामोश क्यों हैं, या फिर हम पॉश एरिया में रहने वालों से यह सवाल नहीं पूछना चाहते? ऐसे तो हजारों एनजीओ हैं जो नशा मुक्ति के कार्य कर रहे हैं, लेकिन यह धरातल पर दिखाई नहीं देते। एनजीओ के कार्य करने वाले लोग भी इन्हीं सोसाइटी से होते हैं जो स्लम बस्ती में जाकर नशा मुक्ति के काम तो करते हैं, लेकिन अपनी ही सोसाइटी में अपने नाक के नीचे चल रहे नशे के कारोबार से चुप बैठ जाते हैं। अक्सर बड़े सोसाइटी कॉर्पोरेट ऑफिस में पर्सनैलिटी मेंटेन करने के नाम पर अपने ही लोगों को नशे की बोतल परोस जाते हैं। बड़े बड़े पार्टियां की जाती, करोड़ों करोड़ खर्चे किए जाते हैं, और बड़े बड़े बातें करने वाले कॉर्पोरेट के लोग जो कि नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाते हैं, यहाँ खुद भी पीते हैं और अपने कर्मचारियों को भी पीने के लिए मजबूर करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि मजबूर करना है। सवाल तो सरकारी महकमे पर भी उठने चाहिए। शहर के बड़े बड़े होटल में शराब और नशे के कारोबार होते हैं, या फिर कहें तो यह सभी नशे और गैरकानूनी कार्य के लिए ही बने हुए हैं। इन्हीं होटल में शराब पीकर लोग निकलते हैं और पीकर और गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं, घर जाते हैं। रास्ते में न जाने कितने लोगों को जान की जोखिम दे जाते हैं। उस समय शहर की यातायात पुलिस आखिर कहाँ रहती है? चाहे तो इनको रोका जा सकता है। इनके इस मुहिम से सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो सकते हैं और शहर की सड़कें भी सेफ्टी हो सकती है। यह तो मेरा काम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जितना हमने कहा उतना कहना तो आसान नहीं होगा, क्योंकि नशा करने से लेकर रेड लाइट जम करने वाले अधिकतर शहर के रसूख लोग हैं, या फिर इनके साहबजादे या साहबजादियाँ होती है। गड़ी तो निहायत ही बदनाम किए जाते हैं।